प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी पर लागू होता है। चौकीदार की चोरी आखिर रंगे हाथों पकड़ी गई है। राफेल सौदे की इंडियन नेगोशिएशन टीम आईएनटी की रिपोर्ट अब जग जाहिर है। अब साफ है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश व संसद को सफेद झूठ बोलकर जानबूझकर गुमराह किया ताकि राफेल सौदे में भ्रष्टाचार, जालसाजी व देश की सुरक्षा से षड्यंत्रकारी खिलवाड़ पर पर्दा डाला जा सके। साजिश का भंडाफोड़ हुआ और चौकीदार की चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई। इसके तीन पहलू हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। पहला, मोदी सरकार द्वारा खरीदे जा रहे 36 राफेल लड़ाकू जहाजों की कीमत यूपीए कांग्रेस सरकार द्वारा खरीदे जा रहे 126 राफेल लड़ाकू जहाजों की कीमत से कहीं अधिक है। मोदी जी ने देश की संसद व देश को बरगलाया और देश के खजाने को चूना लगाया। कैसे? इंडियन नेगोशिएशन टीम के मुताबिक ही 36 राफेल लड़ाकू जहाजों की कीमत यूरो 8460 मिलियन या 63450 करोड़ रुपए है, ना कि 7890 मिलियन यानी 59175 करोड़ रुपए जैसा मोदी सरकार द्वारा संसद और संसद के बाहर बेईमानी से दावा किया गया। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। इंडियन नेगोशिएशन टीम के मुताबिक ही 36 राफेल लड़ाकू जहाजों की कीमत 8460 मिलियन है, जो 75 रुपए के हिसाब से, हालांकि आज 80 रुपए के करीब का यूरो है, 75 रुपए प्रति यूरो के हिसाब से यह कीमत 63450 करोड़ बनती है। जबकि मोदी सरकार ने दावा किया कि 36 जहाजों की कीमत 59175 करोड़ रुपए है, जो एक बेईमानी पूर्ण दावा है, जो आईएनटी की रिपोर्ट से साफ साफ झूठलाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, देश की आंख में धूल झोंकने का एक पहलू और भी है, और वो क्या है? 8460 मिलियन यूरो या 63450 करोड़ भी असली कीमत नहीं है, क्योंकि इसका निर्धारण भी आईएनटी के द्वारा फ्रांस में 1.22% प्रति वर्ष इन्फ्लेशन रेट के माध्यम से, पौने 6 साल का यह इन्फ्लेशन रेट डालकर आंका गया है। पर जहाज तो 10 साल बाद आएंगे, तो 10 साल का अगर 1.22% भी है, 0.25% भी इन्फ्लेशन रेट है, तो वो भी आईएनटी की रिपोर्ट में पूरा नहीं आंका गया। और यही नहीं, आईएनटी की रिपोर्ट में ये लिखा है कि अगर फ्रांस में इन्फ्लेशन रेट 3.5% तक हो जाएगा तो 0.25% नहीं, ये सारा आंकलन 3.5% प्रति वर्ष की इन्फ्लेशन रेट पर माना जाएगा। पर यह भी छोड़ दें, अगर 10 साल के बाद जहाज आएगा, 10 साल का 0.25% इन्फ्लेशन रेट भी निकालें, तो यह कीमत 9000 मिलियन यूरो बनती है, यानी 67500 करोड़ रुपया। ये कटु सत्य है जो आईएनटी की रिपोर्ट से अब साबित हो गया।